नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है और छठा चरण जो है वो बेहद करीब है, जिसको लेकर धुआंधार चुनाव प्रचार चारों तरफ नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक दल जो है वो पुरजोर तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने पाले में वोट डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। दरअसल 7 चरणों में होने वाला यूपी विधानसभा चुनाव, जिसके छठे चरण में 56 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट जो है वो गोरखपुर सदर है, क्योंकि यहां से खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं। हालांकि दूसरी पार्टियों की हम बात करें, यानी कि विपक्षी दलों की बात करें, तो उन्होंने अभी अपने पत्ते बंद करके रखे हैं। अभी तक देखा जाए तो सीधे तौर पर बड़े चेहरे कौन से हैं, प्रत्याशी कौन से हैं, वो निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि छठे चरण का जो मतदान होना है वो कितना महत्वपूर्ण होगा और कितना ज्यादा यहाँ पर जो जंग है तमाम प्रत्याशियों के बीच वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 5 चरण पूरे हो चुके हैं। 5 चरणों को अगर देखा जाए तो 60% तक वोटिंग परसेंट रहा है, लेकिन अगर छठे चरण की हम बात करें तो इन छठे चरणों में जिन जिन सीटों पर मतदान होना है जरा वो भी जान लीजिए। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया, यहां पर वोटिंग होनी है। ये इसलिए भी जरूरी है, देखिए वैसे तो 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, कुछ में मतदान पूरा हो चुका है, कुछ में अभी हो रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इन 5 राज्यों में, क्योंकि इन्हीं चुनावी नतीजों के जरिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा क्या होगी ये तय करना है। इस चुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला होना है। योगी पहले अपने चुनावी क्षेत्र को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम तस्वीरें आप देखिए। ये नजारा है इस वक्त तमाम इन जिलों का जहां पर रैलियां निकाली जा रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, जनसंपर्क किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें। तो अगर गोरखपुर की हम बात करें तो यहां पर 9 सीटों में से पिछली बार 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है और अभी इस सीट पर आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को चुनावी मैदान में उतारा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा हूं और वहीं से उनके घर में ही चुनाव लड़ूंगा और मुझे कोई हरा नहीं सकता है। ऐसे जो बयान है वो तमाम प्रत्याशियों के निकल रहे हैं और सुनाया भी जा रहा है। साथ ही साथ ये दावे भी किए जा रहे हैं कि गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो जीतेंगे, क्योंकि जनता का रुख जो है वो भांप रहे हैं। ऐसे में तमाम जो मेहमान हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूं और हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो छठा चरण है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके क्या मायने निकलकर सामने आते हैं। निरंजन पोदार राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जावेद अंसारी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, केसी जैन बीजेपी नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं सपा से संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। सबसे पहले निरंजन पोदार जी, ये बताइए छठा चरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इस छठे चरण में गोरखपुर में भी चुनाव है और यहां से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े चेहरे जिसको कहे जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी और तमाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक जिसको कहते हैं कि जिनका राजनीतिक बाहुबल बड़ा खम वाला माना जाता है, उनमें से बहुत सारे लोग इस छठे चरण के अंदर उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। तो निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि जब सेनापति जब खुद मैदान में हो तो उस समय उस लड़ाई को निश्चित रूप से
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और सबकी नजरें उसके ऊपर टिकी रहती हैं। और जिस तरीके से हम बात करें गोरखपुर की या पूर्वांचल की, जो ये छठे चरण के अंदर, या यूं कहें कि जो राजनीतिक चक्रव्यूह है उसका जो छठा द्वार है, इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से भेद पाती है, नहीं कर पाती है, क्या कर पाती है, ये अब आने वाला 10 तारीख हमें बताएगा। बिल्कुल पोदार साहब, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इन 5 जो चरण हुए इनसे हमें पता चल चुका है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि हमने तो पहले ही पश्चिम में जब चुनाव हुए तभी हमने भांप लिया था कि ये सपा सरकार बना रही है। देखिए मैडम, ऐसा है कि निश्चित रूप से चुनाव में हर एक पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती है, लेकिन जिस तरीके से हमने भी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी सघन दौरे किए पिछले 3 महीनों के अंदर, लगातार आप ये मान के चलिए कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम जिस तरीके से कस्बों के अंदर और गांव के अंदर हम लोग गए, हमने एक चीज देखी कि इस बार का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था वो निश्चित रूप से जनता का, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो एक चीज को भली भांति कह रहा था कि कानून व्यवस्था की बात जो इस सरकार ने कानून व्यवस्था के ऊपर जो कार्य किया, या यूं कहेंगे जो संगठित अपराध के ऊपर जिस तरीके से इस सरकार ने कार्य किया उसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही थी। और जनता को देखिए, सबसे पहले चाहिए सुरक्षा, उसके बाद में बाकी की सारी चीजें उसके बाद में शुरू होती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाकी की तो देखिए 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस बार वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा चुनाव हो रहा है जिसके अंदर अच्छे अच्छे विशेषज्ञ कहूं या अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट कहूं, उनकी भविष्यवाणी सटीक नहीं बैठ रही है ना पोदार साहब, उनकी भविष्यवाणी सटीक नहीं बैठ पा रही है। इस बार भ्रमित है जी, इस बार सब लोग भ्रमित हैं कि इस बार चुनाव में होगा क्या, क्योंकि इस बार देखिए ऐसा है ना कि इस बार जिस तरीके से साइलेंट वोटिंग हो रही है और जनता के अंदर लोगों को लग रहा है कि एक अंडर करंट है, अगर वो चीज हुई तो परिणाम कुछ और होगा, लेकिन जो धरातल पे जो मुखरता दिखाई दे रही है उसको देखें तो यहाँ पे कांटे की फाइट नजर आ रही है। तो इसलिए इस बार मैं कहूं कि हमारे जो देश के अंदर एक अलग से वर्ग चलता है, सटोरिया जिसको हम कहते हैं, इस बार तो सटोरिया भी आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, वो भी इतना डरा हुआ है किसी भी प्रकार का सौदा या सट्टा करने के मामले में। तो इस बार बाकी 10 तारीख को इस चीज का पता चल पाएगा कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने किसको पसंद किया नहीं किया, मेरा ऐसा मानना है। जैन साहब, इस बार तो हॉट सीट पर चुनाव होने जा रहा है, छठे चरण में योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है, क्या लग रहा है, लहर दिखेगी? जैन साहब आपकी आवाज जरा अनम्यूट कर लीजिएगा तो आ जाएगी आपकी आवाज। ठीक है, बोलिए जी, आवाज मिली हमारी? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। देखिए, पहले चरण से लेकर के और ये छठा चरण होना है 3 तारीख को, और फिर लास्ट चरण होना है 7वां चरण। तो हमारी जहां तक जो साख दांव पर की बात है, तो साख दांव पर हर चरण में लगी हुई है और किसी चरण में नहीं लगी हुई है, क्योंकि देखिए हर चरण के चुनाव में, अब जो कल का चुनाव था, कल मैं कई जगहों पे गया, बाराबंकी भी गया, एक दो और जिलों पे मैं गया वहां पर, और इसके पहले भी हमने लगातार तमाम जिलों का भी हमने दौरा किया, संपर्क किया, तमाम सीटों पे हम प्रचार प्रसार में भी गए, लोगों से मिलने भी गए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले फेज से लेके अब तक हर जगह पे बढ़त में, और अगर बढ़त में नहीं होती तो अखिलेश जी की सीट जिस प्रकार से फंस रही थी और बिल्कुल फंसी हुई है, तो एसपी सिंह बघेल पे इन्होंने हमला नहीं कराया होता, 200 से ज्यादा लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, डराने धमकाने का प्रयास किया कि वहां वोटर ना निकले भारतीय जनता पार्टी का और ये एक तरफा चुनाव हो जाए, जबकि ऐसी स्थिति बन नहीं पाई। अच्छा, और इसके पहले भी तमाम सारे लोग चुनाव उनके परिवार के हारे हैं, वो चाहे डिंपल जी स्वयं रही हो, चाहे धर्मेंद्र यादव रहे हो, चाहे अक्षय यादव रहे हो, तो उनको लग रहा था कि सीट फंसी हुई है इसलिए हमला करा के जीत लेंगे। तो पहले चरण से दूसरे चरण से लेकर के ये जो छठे चरण का चुनाव है, इसमें हर जगह पे, पहली बात तो कल का चुनाव जो था, केशव प्रसाद मौर्य जी का कह रहे थे कि भाई उनकी साख दांव पे लगी हुई है, डिप्टी सीएम रहे हैं सितारू सीट से, तो हर सीट पे, हर एक चरण में हमारे 5-7-10 मंत्री हर एक सीट पे रहे हैं, तो हर जगहों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर एक क्षेत्र से मंत्री भी दिए हैं, और एक तरीके से सामंजस्य बढ़ाने की भी कोशिश की है,
जिससे कि हर एक क्षेत्र का विकास हो सके, क्योंकि जब कहीं का मंत्री होता है तो अपने अपने क्षेत्रों का विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, जाहिर सी बात है। अब रही बात यह कि जो अगले चरण का चुनाव होना है, 3 तारीख को चुनाव होना है, उसमें चाहे गोरखपुर हो, ठीक है, गोरखपुर को आप हॉट सीट ले रहे हैं, हॉट सीट है भी, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 साल तक जो काम किया है, वो चाहे 50 लाख आवास को लेकर के हो, चाहे 1 करोड़ से ज्यादा बिजली कनेक्शन को लेकर के हो, 1.5 करोड़ से ज्यादा हमने, और उत्तर प्रदेश भी लगातार विकास कर रहा है, ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, 5-6 एयरपोर्ट तैयार हो गए हैं, तो जो डेवलपमेंट किया है, लोगों को जो सुविधाएं दी है, इन्हीं चीजों को मुद्दा बना करके हम जनता के ले जाए। अभी आदरणीय पोद्दार जी ने देखिए लायर ऑर्डर का एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश था, और लायर ऑर्डर पे जब हमने काम किया, जब 100 से ज्यादा उदात मारे गए, 4,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए जेल में, जिनके खिलाफ इनाम घोषित था, और वो अखिलेश यादव जी ने कहा था 17 साल छोड़ रखे 2017 के इलेक्शन में, 17 सालों को बंद करने का भी काम किया है, और ज्यादा मर गए थे, उनकी भाषा में जो कहा जाता है, वो इनकाउंटर में मारे भी गए। कुल मिलाकर के जो लाइन ऑर्डर का चाहे विषय हो, चाहे डेवलपमेंट का विषय हो, हर विषय पे बानी हो गया, राज्य सफल हुए, जनता ने सराहा है, और जिनको ये बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, जिनको ये कह रहे हैं इनकाउंटर बाबा कह रहे हैं, ठीक है जैन साहब, ठीक है आपके पास लौटेंगे वापस, जैन साहब आपके पास वापस लौटूंगी, संदीप चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं, सपा से है, कहीं पे भी कोई भी टक्कर में नहीं है, ठीक है जैन साहब समझ गए हम, और 300 पार का जो नारा है वो भी बहुत गूंजा है, लेकिन आप जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो 300 पार का नारा भी सुनाई थोड़ा कम दे रहा है। चलिए आपके पास वापस लौटूंगी जैन साहब, संदीप चौधरी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी सुन तो लिया ही होगा आपने क्या कहा है यहाँ पर जैन साहब ने, इन्होंने कहा कि आपने SP बघेल पर हमला करवाया क्योंकि सीट फंसती हुई नजर आ रही थी, अखिलेश यादव कहते हैं कि वो आराम से जीत जाएंगे, करहल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए, उन्होंने तो पश्चिम में ही, जब पश्चिम में चुनाव हो रहे थे तभी कह दिया था कि हमने तो देख लिया है, हमने बढ़त बना ली है पहले। संजीव साहब पहले अनम्यूट कर लीजिएगा तभी आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पाएगी। हेलो, हाँ जी आवाज आ गई, संजीव जी बोलिए। सबसे पहले तो हमारे पोद्दार साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात का 1 मिनट जवाब दे दूं, फिर मैं दूसरी बात पे जाऊंगा। पोद्दार साहब ने अभी कानून व्यवस्था तो गिना दी, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं बड़ी माफी के साथ मुझे कहना पड़ता है, अब मुझे बोलना पड़ता है, फिर लोग कहते हैं यार बोलते बहुत है। अभी आपने कानून व्यवस्था तो गिना दी पोद्दार साहब, आपने ये नहीं गिनाया कि आप होटल में नहीं सो सकते, आप होटल में जाएंगे तो पुलिस एनकाउंटर कर देगी आपका फर्जी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एनकाउंटर कराया इन लोगों ने, और आप अभी अब लाइन ऑर्डर की बात कर रहे थे, आपने देखा नहीं वो किस तरीके से चुनाव के टाइम में इन्होंने चीरहरण की प्रक्रिया इनके कार्यकर्ताओं ने की, उसका तो आपने जिक्र नहीं किया, आपको डर लगता है क्या इनसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इनकी इनकी कमियां गिनाने से डर लगता है क्या आप लोगों को, डरते हो क्या, आपके दबाव में आते हो क्या, कोई सवाल लेके आते हो क्या वहां से कि जो सवाल आपको दिया जाएगा उसी पे आपको बात करनी है, नहीं नहीं बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, जब आप बोलने दीजिए, जब आपका नंबर आएगा तब बोलना, जब आपका नंबर आएगा तब बोलना, वरना मैं आपको मार दूंगा, टिप्पणी करिए ना आप, पहले पहले सुनिए जवाब दीजिएगा, और बात सुनिए, आप बात सुनिए वरना जब आप बोलेंगे तो बोलने भी नहीं दूंगा। पोद्दार साहब यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक है, देखिए वो किसी एक नहीं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ का मतलब होता है अपनी बात, राजनीतिक का मतलब होता है पक्ष विपक्ष दोनों बात रखने का, बिल्कुल अरे आप हमको बोलने तो दो, आप अपनी भड़ास निकालिए फिर मैं जवाब दूंगा, ठीक है नहीं बोलने तो दीजिए, बोलने क्यों नहीं दे रहे आप, संदीप जी बोलिए, जब आप गलत नहीं है तो बोलने दीजिए, ठीक है बोलिए। आपने अभी ये नहीं गिनाया किसानों की किस तरीके से हत्या की, किसानों के किस तरीके से दोषी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके मंत्रियों के बेटों ने गाड़ियां चला दी किसानों के ऊपर, महिलाओं का अत्याचार किया, बलात्कार क्या किया, विधायकों ने बलात्कार किए, वो तो आपने नहीं गिनाया, वो उसका तो आपने जिक्र नहीं किया, किसी भी तरीके का जिक्र नहीं किया, केवल आपने एक जिक्र कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और पश्चिम में मैं गया घूमने के लिए, आप आइए, ये भी बता दीजिए, आप आइए, मैं पश्चिम में घूमता हूँ आपको, इनके
इनके विधायकों को गायत्री प्रजापति क्या है अरे आप आरोप नहीं आपने जो पश्चिम में आप गए आपने पश्चिम में देखा इनके विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया, गोबर से स्वागत किया किसानों ने, समाजवादी पार्टी ने नहीं, किसानों ने गोबर से स्वागत किया। इनके मुंह काले पोती वही किसान थे वो जिनको आतंकवादी खालिस्तानी और तमाम तरीके के बातें इन्होंने की। अब रहा सवाल आपका, हम नहीं किया आप आपने, इनकी मैडम इनकी म्यूट कीजिए आवाज, पहले इनकी म्यूट कीजिए आवाज, म्यूट कीजिए इनकी म्यूट आवाज कीजिए। जैन साहब देखिए, जैन साहब सवाल खड़ा किया गायत्री प्रजापति के बारे में, बता दीजिए ना पार्टी में, पार्टी की बाहर जवाब देंगे। संजीव जी आपकी सारी पोदार साहब से क्वेश्चन था। अब मैं आता हूँ, आप जो आप बात कर रहे थे कि वहाँ सीट फंसी हुई है श्रीमान जी, वो लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं, जोन सी आपने जवान निकाल दिया लाखों वोटों से, और चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं आपके योगी जी घबराए हुए हैं अपनी सीट से, तमाम नेता पश्चिम के आप लोगों ने उधर उतारे हुए हैं, तमाम विधायक भेज दिए उस सीट पे, सब आंकड़ा है हमारे पास। और रहा सवाल तो विधायक ये बताइए आप, बीजेपी का सुन लिया, आगे बहुत समय है, मौका मैं दूंगी। जावेद साहब हमारे साथ बने हुए बहुत देर से, कांग्रेस वैसे भी चुप है, प्रियंका गांधी कभी कभार कांग्रेस यहाँ भी चुप है, क्या हो गया? कांग्रेस तो यहाँ पर दिशा और दशा दोनों बदलने जा रही थी। कांग्रेस बिल्कुल चुप नहीं है काजोल जी, 40% महिलाओं को टिकट देना उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में यह ऐतिहासिक है, और हम हर सीट पर पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। केसी जैन साहब मानेंगे नहीं, लेकिन मोहन भागवत जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि शुरू के 2-3 फेज में ये हार चुके हैं, इनकी केवल 17 सीट आ रही है, और हार का परिणाम हार का मानेंगे नहीं वो, और हार उनके मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे दिख रही है। और प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए मेरी बात, माहौल को इतना गरमाइए, बात रखिए ना, देखिए आपको भी मौका दिया था, संजीव जी आपको भी मौका दिया था, अब उनको बोल लेने दीजिए, सुन रहे हो, सुन रहे, ठीक है ठीक है चलिए। देखिए चुनावी माहौल वैसे ही गर्म है, यहाँ इस चर्चा को उतना गर्म मत कीजिए, ठीक है, बहुत शांति से अपनी बात रखिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बात सुनना है और जवाब। आपने अपनी बात रखी, इन्हें बोलने दीजिए। जैन साहब ठीक है, जैन साहब आपके पास मैं आऊंगी, एक मिनट बस, जावेद जी कंप्लीट कर ले, जावेद जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपके पास आऊंगी। क्या बीमारी है? जावेद जी बोलिए। मैं वही बता रहा हूँ ना, आप नेशनल न्यूज़पेपर कोई भी गूगल कर लीजिए, उसमें आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि शुरू के 2 फेज में केवल 17 सीट आ रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आपको खदेड़ दिया गया है और सेंट्रल यूपी से खदेड़ा जा रहा है, और उसका प्रचार जो है मोदी जी के चेहरे पे दिख रहा है। एक एक जिले में 3-3 रैली कर रहे हैं, वो बनारस में थे, बलिया में थे, बस्ती में थे, और हमारे देश के 30,000 से ज्यादा युवा यूक्रेन में बंद है, वहां से एम्बेसी वापस बुला ली गई है, और हमारे युवाओं को जो एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ रहे थे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उनको जंग के बीच में छोड़ दिया गया। आपने आपने देश को तबाह करने का, बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। कोरोना में सुन लीजिए, कोरोना में 5,13,000 मर चुके हैं। आपके पास ही आऊंगी, एक जैन साहब को कुछ बीमारी है, आप सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए, विपक्ष को दबाइए मत, पुतिन मत बनिए, यहाँ पे ये लोकतंत्र है, पुतिन मत बनिए, लोकतंत्र है ये, तो किस तरीके से
20,000 से ज्यादा बच्चे हमारे वहां फंसे हुए हैं, वो बमों के बीच में बैठे हैं, रो रहे हैं, उनका वीडियो आ रहा है, लेकिन मोदी जी चुनाव प्रचार में चुनाव जीवी बने बैठे हैं। केवल उनको चुनाव चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूखी पार्टी है, केवल इनको सत्ता चाहिए। अरे आप ये बताइए ना, आपने ये तो बता दिया कि पश्चिम में इनको 17 से 18 सीटें मिलने जा रही हैं। आपने कांग्रेस का तो नहीं बताया, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे टक्कर जो है सपा गठबंधन वर्सेस कांग्रेस ही है। अच्छा, सपा वर्सेस कांग्रेस है, इससे ही खायब हो गई है। सपा वर्सेस कांग्रेस है, आप ये कह रहे हैं सपा वर्सेस कांग्रेस है पश्चिम में? कहा जाएगा काजोल जी, जब भाजपा साफ हो गई और बसपा साफ हो गई तो लड़ाई तो फिर तीन पार्टियों में बची ना। अच्छा, उनका गठबंधन और कांग्रेस। अच्छा, बसपा साफ हो चुकी है, भाजपा साफ हो चुकी है, और केवल यूपी में नहीं, पांचों राज्यों में साफ हो चुकी है। चलिए ठीक है, वो तो इंतजार कर रहे हैं हम 10 तारीख का। आपने पहले बता दिया तो थोड़ा सा गुणा गणित कर लेंगे। हर जगह से इनका खदेड़ा जा रहा है। ठीक है जावेद साहब, ठीक है जैन साहब बोलिए, बहुत देर से जैन साहब बोलिए। जी देरी। एक तो पहली बात तो ये कि हमारे साथ में जो आदरणीय चौधरी साहब बैठे हुए हैं वो बता देंगे वो किससे लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बसपा से लड़ रहे हैं या भाजपा से लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं समाजवादी पार्टी, पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है, और इन भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो चुका, खदेड़ा बुरी तरीके से हार है तुम्हारी, आपको हार का सामना देखना पड़ेगा, पांचों राज्यों में देखना पड़ रहा है। संजीव जी, तमाम कैबिनेट, तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री, तमाम लगाए हुए आप लोगों ने, पूरी सख्ती लगा रखी है। संजीव जी अब धैर्य रखिए ना, अब सुन लीजिए। धैर्य कहा है, ये जैन साहब तो पूरा ही बोल रहे हैं जब से। देखिए इसके पहले जिस प्रकार साहब अपनी बारी का इंतजार करिए और धैर्य रखिए। अच्छा, जब आपकी बारी आए तब बोलना। ठीक है चौधरी साहब, मैंने सवाल उनसे किया है इसीलिए उनको बोल रही हूँ बोलने के लिए, आपके पास भी वापस लौटूंगी, उसके पहले पोदार साहब के पास जाऊंगी। जैन साहब अपनी बात कम्प्लीट करिए। जी देखिए, इसके पहले अच्छा जी चुनाव हार चुके हैं, धर्मेंद्र जी चुनाव हार चुके हैं, डिंपल जी चुनाव हार चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग कई बार चुनाव हार चुके हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अखिलेश यादव जी अच्छे हैं वो हार नहीं सकती। और दूसरी बात ये है कि काजोल जी की अगर उनको हारने का डर नहीं था तो उन्होंने 200 लोगों से उनके ऊपर हमला क्यों कराया सुनील बघेल जी के? ये लोकतंत्र है, आप लड़िए, जीत हार जो है निर्णय जनता करेगी, जनता का जो निर्णय आना होगा आएगा। और ऐसा नहीं है हम भी हारे, लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो हम गोरखपुर भी हारे, लेकिन हमने कहीं पे कोई हमला तो नहीं कराया। अखिलेश यादव जी डर से हमला करा रहे क्योंकि उसकी हार रहे, हमें उम्मीद थी हम जीतेंगे लेकिन हार गए थे, लेकिन हमने कोई हमला तो नहीं कराया। तो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़िए, और जनता जनार्दन के हाथ में इस बार कमान है, हमेशा कमान जो है चुनाव में जनता जनार्दन के पास होती है, जनता जिसको चुनना चाहेगी चुनेगी। आप इसके पहले 2017 में जब 2012 में चुनके आए, 2012-17 तक आप रहे, 17 में आप गए, 17 में आपको जनता ने नकार दिया, आपने कांग्रेस का गठबंधन करके देख दिया, जनता ने आपको नहीं, ये तो जैन साहब जनता, ये तो जैन साहब जनता के हाथ में, जो काम नहीं करेगा उसे सत्ता से बाहर निकाल देगी, जो काम करेगा वो वापस सत्ता में आ जाएगा, तो ये तो जनता के हाथ में। तो इसमें अगर ये कहना कि जनता ने निकाल दिया या ये कर दिया या वो कर दिया तो जनता के हाथ में है, जनता समझदार है, इन 5 सालों को भी जनता समझ रही है। जैन साहब कोमल जी देखिए, बिल्कुल देखिए, अगर हमने काम किया है, अब ज्यादातर चरणों के चुनाव हो गए हैं और 5 चरणों के चुनाव हो गए, 2 चरणों के चुनाव बाकी है, अगर हमने काम किया है तो जनता हमको सिर माथे बैठाएगी। वैक्सीनेशन किसने कराया? आज जो चुनाव हो रहे हैं इस वैक्सीनेशन की वजह से ही हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए जैन साहब, एक बात बता दीजिए, गोरखपुर में 60,000 से 70,000 ब्राह्मण मतदाता है, ये मानते हैं आप? क्षत्रिय 25,000 से 30,000 है। हमेशा से ही विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि ब्राह्मणों के हितैषी नहीं है बीजेपी, और इन 5 सालों में ब्राह्मणों की हत्या हुई है, तो अगर ब्राह्मण बीजेपी से खफा होता है तो गोरखपुर में तो फिर सीट आना मुश्किल है। नहीं नहीं काजोल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म मजहब से उठ करके काम करती है, और जात धर्म मजहब के आधार पर ना तो योजनाओं को लागू करती है, ना तो अपराधियों का सफाया जाति धर्म मजहब के आधार पर,
हम अगर कार्रवाई करते हैं पारदर्शी तरीके से, तभी जातीय समीकरण बिठाकर सारे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं बीजेपी ने। नहीं नहीं देखिए, कहीं पर भी जाति धर्म के आधार पर ना तो प्रत्याशी उतारा गया और ना ही तो हमने कोई कार्रवाई की। हाँ, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी पीड़ा कब होती है, जब मुख्तार अंसारी अतीक अहमद की कार्रवाई होती है, जो कहते हैं मुस्लिम को मार दिया, जब किसी में कोई मुस्लिम मारा जाता है 1-2 लाख रुपए का इनामी, कहते हैं अरे यादव को मार दिया आपने, फिर जब विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी मारा जाता है जिसने 8-8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, जिसमें 4 पुलिसकर्मी ब्राह्मण थे, तो जिसने 4 ब्राह्मणों की हत्या की वो ब्राह्मणों का दुश्मन नहीं है, लेकिन इनकाउंटर में अगर गाड़ी पलटती वो मारा जाता है, वो भागने की कोशिश करता है तो वो ब्राह्मण हो जाता है। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी हर एक अपराधी में कोई ना कोई जाति देखती है, कोई ना कोई धर्म देखने की कोशिश करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना कोई जाति बिना कोई धर्म को देखे हुए कार्रवाइयां। ठीक है जैन साहब, ठीक है जावेद जी आपके पास वापस लौटो, पोदार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और शायद संजीव जी की बातों का जवाब देंगे पोदार साहब दिए गए। एक मिनट, 30 सेकंड लूंगा मैं। अगर 50 लाख आवाज देगा, आप उठा के लिस्ट देखिए, उसमें से 15-20 लाख लाभार्थी मुस्लिम भाई बहन है, और इसी तरीके से जो 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है, इसमें भी 25-30% हमारे मुस्लिम भाई बहन है। क्यों? क्योंकि वास्तव में आजादी के बाद के आज तक मुसलमानों की आज भी 70% है, और सारी पार्टियां केवल उनका वोट लेती रही, राजनीति करती रही, लेकिन उनके भले के लिए किसी ने काम नहीं। माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने अगर 3 तलाक का बिल लेकर के आया, किसको फायदा हुआ? मुस्लिम महिलाओं को। ठीक है जैन साहब आपके पास वापस लौटूंगी, एक मिनट जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जावेद जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मैं पोदार साहब के पास जाऊंगी, बहुत देर से वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से चुप है और जवाब देना चाहते हैं शायद संजीव जी को। जावेद जी जी, पोदार साहब ने जो बात कही थी कि यहाँ पे बहुत अच्छा क्राइम नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चिन्मय आनंद को ये भूल गए। सहमत नहीं है, इसमें कौन सा बड़ी बात है, कौन सी नई बात है? उत्तर प्रदेश के लोग सहमत नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग सहमत नहीं है, चिन्मय आनंद को भूल गए। आशीष बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है जावेद जी, बोलिए। संजीव जी भाषण दे रहे हैं, आप रोकिए, आप म्यूट करिए, फिर जावेद जी आप म्यूट करिए ना इनको। मैं यही बोल रहा हूँ बार बार कि जो इन्होंने लॉ ऑर्डर की बात बताई कि लॉ एंड ऑर्डर, अभी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर किस तरीके से गोलियां चलाई गई वो इन्हें नहीं दिखता, टेनी ने 5 से ज्यादा किसानों को रोन दिया, उसकी बेल करा दी गई और सरकारी जो वकील थे वो पक्ष नहीं रख पाए, आज सरकार को सुप्रीम कोर्ट में उसकी बेल अपोज करनी चाहिए थी, लेकिन किसान बेल अपोज कर रहे हैं। 3 तलाक की इन्होंने बात की कि बहुत बड़ा राइट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज किया गया उस लॉ को, क्योंकि वो इलीगल लॉ है जो बनाई गई पार्लियामेंट में, तो इनको भी कुछ पता नहीं है। और जो 274 नोटिस इलीगल जो तरीके से जो प्रॉपर्टी जब्त की थी डिक्टेटरशिप में योगी जी ने, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, वहां पर सरकार ने थूक कर चाटा है उत्तर प्रदेश की, तो इनकी सरकार जो है वो डिक्टेटरशिप से उत्तर प्रदेश को चलाना चाहती है और इलीगल तरीके से एनकाउंटर करती है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, पुलिस कस्टडी में डेथ उत्तर प्रदेश में हुई है, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है, सबसे ज्यादा एनसीआरबी का डाटा बता रहा हूं राजस्थान में भी हो रहा है। जावेद जी ऐसा नहीं है कि राजस्थान पूरी तरह से सुरक्षित है, राजस्थान में हर कोई खुश है या दलित खुश है, महिलाएं खुश है, ऐसा नहीं है, राजस्थान में भी चीजें हैं। देखिए क्राइम आप कहेंगे कि रातों रात खत्म हो जाएगा, तो क्राइम तो मेरे कहने से भी ना रातों रात खत्म नहीं होने वाला है ना, खत्म हो चुका है तो खत्म हो चुका है, वो तो ये कह रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, क्राइम कम हुआ है ये हम कह सकते हैं, खत्म हुआ है ये हम नहीं कह सकते।
पोदार साहब, जैन साहब एक मिनट, पोदार साहब बोलिए। नहीं थूक के तो राहुल गांधी चाटते हैं ना पहले। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ऐसे जैन साहब आपसे मोदी जी चाटते हैं। नहीं 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 नहीं, का वादा करते हैं नौकरियां नहीं देते। जैन साहब की कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, जो मां गंगा में नाचे भाग देते हैं। जैन साहब मैंने पहले ही बोला था कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। आप बीच में बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जैन साहब, सरकार ऐसी है जिन्होंने पूरे देश को बेरोजगार कर दिया है और भाषा का संयम नहीं रखते, ये बिल्कुल गलत बात है। जैन साहब ये गलत है किसी भी हालत में। जैन साहब ये ऐसे मत बोलिए, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डिनेंस फाड़ा गया था जिस वजह से आज अपराधी जेल में जा रहे हैं। जावेद जी एक मिनट, मैं खुद बोल रही हूँ उनसे, बीच में नहीं बोल रही। जावेद जी एक मिनट, मैं खुद बोल रही हूँ। जैन साहब ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे अपनी बात रखिए, आप बहुत अच्छे से मुद्दे रख रहे थे, अचानक क्या हो गया? पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी गई है, 20,000 बच्चों को तो निकाल लो पहले। जैन साहब बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे आप, क्या हो गया अचानक? देश को बर्बाद आपने कर दिया। ठीक है ठीक है, देश की जनता जवाब दे तो रही है। जैन साहब देश की जनता जवाब दे रही है ना, आप हमारी किडनी भी बेच दोगे आने वाले वक्त में। ठीक है ठीक है, पोदार साहब बोलिए। जावेद जी एक मिनट, 84% लोग गरीब हो चुके हैं, आपने पूरे देश को कंगाल कर दिया। जावेद जी आप चुप हो जाइए, कर दिया है। ठीक है पोदार साहब, ऐसा है काजोल जी, पहले तो मैं जैन साहब से बहुत ही विनम्र निवेदन करूंगा। जैन साहब जिस तरीके से आप डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट को डिरेल करना होता है। जब आदमी के पास जवाब नहीं होता है तो वो डिबेट को डिरेल करने पे उतरता है, और मेरे पास तो बहुत तर्कसंगत जवाब है। ये भाई संजीव जी का और जावेद जी का, दोनों का मेरे पास बहुत तर्कसंगत जवाब है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया डिबेट को डिरेल ना कीजिए, तर्क वितर्क पे आदि लीजिए, क्योंकि जब तर्कहीन होता है तब डिबेट डिरेल की जाती है। ये मैं पिछले 7 साल से मैं पैनलिस्ट हूं और सब तमाम राष्ट्रीय समाचार चैनलों पे मैं बैठता हूं, तो थोड़ा सा इस चीज का थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। अब देखिए काजोल, जो संजीव चौधरी जी कह रहे थे, मैं इनकी बात को जवाब देना चाहता हूं। भाई साहब, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर वो जमाना भी देखा है जब SSP कार्यालय से SP कार्यालय चला करते थे, यानी कि समाजवादी पार्टी कार्यालय चला करते थे। और जो आप कह रहे थे कि गोरखपुर के अंदर पुलिस वालों ने एक व्यापारी की हत्या कर दी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था वो, लेकिन जो समाज के अंदर और किसी भी विभाग के अंदर गंदी मछलियां हर जगह होती हैं। और जावेद जी जो कह रहे थे, इन बात का जवाब भी मैं अभी दूंगा। तो देखिए ऐसा है, मैं आप दोनों ही पैनलिस्ट को बता रहा हूं कि मैं मानता हूं अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक अपराध होता है वो होता है आवेशिक अपराध, दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, बातों के अंदर गुस्सा हो जाते हैं, एक बंदे ने दूसरे बंदे का सर फोड़ दिया, ये हो गया आवेशिक अपराध। दूसरा होता है संगठित अपराध। तो मैंने क्या कहा था कि इस सरकार ने संगठित अपराध में बहुत अच्छा कार्य किया। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी देखा था कि जब व्यापारियों के पास चिट्ठी आती थी विरोधी की, और एक घटना मैं अपने जो मेरे सहयोगी पत्रकार हैं उनकी कई भी बात सुनाता हूँ। एक बस के अंदर काजोल, जब पहले पिछली सरकार के जमाने की बात है, एक बस रोकी गई, बस लूटने के लिए बस रोकी गई, और जब बस को लूटा गया और उसके अंदर केवल और केवल 22,000 रुपए की कलेक्शन हुई, तो जो बस लूटने वाले थे उन्होंने वो 22,000 रुपए वापस कर दिए। जब कंडक्टर ने उसको पूछा या किसी दूसरे बंदी ने उसको पूछा कि भाई तुमने ये पैसे वापस क्यों कर दिए, उसने कहा भैया 50,000 तो हमें एक बस लूटने के ऊपर चढ़ाने हैं और हमारे को तो मिल रहे हैं 22,000, तो हम ये अपने खाते में एक बस लूट क्यों चढ़ाए। तो भाई साहब हमने वो चीज भी देखी। आपने बात की किसानों को मार दिया, देखिए ऐसा है कि हमने वो दौर भी देखा है जब सीधी फायरिंग के अंदर लोगों के ऊपर सीधी फायरिंग की जाती थी सरकार की पुलिस बल के द्वारा, और इसके अंदर श्री गंगानगर से लेकर के और हांसी से लेकर के, और मैं आपको बंगाल के नंदीग्राम तक की कहानी सुना सकता हूं। और आज तक पुलिस फायरिंग के अंदर 3,500 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं। इस बार तो जो किसानों की जो दुर्ग क्या कहते हैं जो मृत्यु हुई है, या कहें कि जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, वो किसी सरकार के द्वारा सीधा प्रत्यक्ष रूप से गोली से नहीं मारा गया है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिए। और जो जावेद जी कह रहे किसानों की, अगर 70 साल के अंदर से 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, क्या किसान इसी 7 साल के अंदर दरिद्र हो गया? उससे पहले किसान क्या बहुत ज्यादा धनी था?
बहुत ज्यादा साधन संपन्न था, तो इस बात को आप रहने दीजिए। जब आप एक उंगल दूसरे की तरफ करेंगे तो चार उंगल आपके स्वयं की तरफ होगी। तो देखिए ऐसा है, मैंने ये कहा था कि कानून जो संगठित अपराध है उसके ऊपर इस सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है और इसको अपोजिशन भी नकार नहीं सकता। और काजोल जी अब इनको और बात बुरी लगेगी, ये पहला चुनाव मैं ऐसा देख रहा हूं जिसके अंदर जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उसके ऊपर अखिलेश जी ने भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। उनको ये तो कहते हैं कि बुलडोजर की सरकार है, एनकाउंटर की सरकार है, ठोक दो की सरकार है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतने चुनाव हुए हैं, मैंने पहला ऐसा चुनाव देखा है कि किसी सरकार पे सीधा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो इन बातों को आप रहने दीजिए, जब मैं बोलने लगूंगा तो आपको फिर ये लगेगा कि भाई मैं कहीं से आदेश लेके आया हूं। और ये तो इसलिए मेरे को मेरा विश्लेषण करने दीजिए, संजीव जी सीधा मेरे पे प्रहार करेंगे तो फिर मैं और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, गुस्साइएगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं और जो चीजें आप लोगों से ही निकलकर सामने आती है और फिर उसे क्लियर करने की कोशिश की जाती है ताकि आम जनता तक जो मैसेज जाए वो क्लियर जाए, घुमा फिरा के ना जाए। जावेद जी आप बोलिए, उसके बाद फिर मैं संदीप जी के पास जाऊंगी, बहुत देर से वो भी बैठे हुए हैं, बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी होंगे, उनके जवाब भी होंगे, वो भी सुनने हैं, जल्दी से कम्प्लीट करिएगा जी। अब पोदार साहब ने स्पेसिफिक चीजें रखी है तो उसका हम जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल में क्या हुआ, किसान की हमने चीजें खराब कर दी इसलिए एक साथ क्या होगा, लेकिन ये वादा तो मोदी जी ने किया था कि 2022 में सबकी किसानों की आय डबल होगी। मैंने तो नहीं किया था, कांग्रेस ने तो नहीं किया था, लेकिन सवाल ये है कि 70 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, हमारे देश में एक सुई नहीं बनती थी, यह बनती थी आप बता दीजिए, 564 रियासतों को मिलाकर एक देश बनाया गया। जावेद जी, हमारा देश बहुत अमीर, मैं बीच में नहीं बोलता, जावेद जी मैं बीच में नहीं बोलता, आप बोलने के बाद में मेरे से जवाब जरूर लीजिएगा। ठीक, तो आप अब आप सुन लीजिए, तो आपने कहा कि हमने किसानों की स्थिति बहुत खराब कर दी, 70 साल पहले हमारा देश क्या था, 564 रियासतों को मिला के एक देश बनाया गया, पहले राजा महाराजा थे और वो उनके बंधुआ मजदूर थे जो लोग थे, तो एक सुई नहीं बनती थी। आज हमारे देश में कितनी इंडस्ट्रीज है, सेल है, बेल है, मैं नाम की DRDO है जहां मिसाइल बन रही है, टैंक बन रही है, कि हमारे देश को क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, जो आज मोदी जी बेच रहे हैं जिन संस्थाओं को, वो कांग्रेस ने बनाई है पोडार जी। हाँ, ये कह सकते हैं जो प्रोग्रेस है, जो तरक्की है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कमी रहेगी। आज आप इंग्लैंड जाइए, लंदन जाइए, वहां पे भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है विकास का, चाहे वो किसान हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉर्पोरेट हो, हर चीज में विकास निरंतर होता रहता है। लेकिन वादा तो मोदी जी ने किया था कि 2022 में डबल इनकम हो जाएगी। खाद का कट्टा 2000 का बिक रहा है, खाद का कट्टा किसानों का 2000 का बिक रहा है, जब किसान की जो बिजली है वो इतनी महंगी है, सिंचाई इतनी महंगी तो हो गई तो है, ये क्यों हुआ, डीजल इतना महंगा हो गया, ये कांग्रेस ने किया है, है ना संजीव जी, ये कांग्रेस ने किया है कि डीजल महंगा कर दिया, जो 55 रुपए डीजल बिक रहा था वो आज 90 रुपए बिक रहा है, तो सिंचाई कैसे होगी, लागत क्यों इतनी ज्यादा हो गई। ठीक है जावेद संजीव जी, आवाज आ पा रही है क्या मेरी जी? संजीव जी बिजली की बात याद कर रहे थे तो मैंने कहा बिजली तो सपा सरकार मुफ्त देने जा रही है। नहीं, वो तो बाद में देंगे ना, अभी तो हम पुराने की बात करेंगे ना, जो पिछले साल काम हुआ है, तो पांच साल में। ये तभी तो ये लुभावने वादे हैं ना, ये लुभावने वादे हैं जो सरकारें कर रही हैं। मैं नहीं, ये नहीं करेगी सपा कर रही है, और वादे बीजेपी ने भी करे हैं, वादे पूरा करता है, वादे कांग्रेस ने भी करे हैं, बिल्कुल करे हैं, लेकिन हम वचनबद्ध हैं, हम झूठ नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी। जावेद जी ठीक है संजीव जी, सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये है कि बीच में टोकटाकी ना की जाए। हमारे जो भाई जी अभी कह रहे थे कि जिसके पास जवाब नहीं होता है वो ही हंगामा तारता, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से, इस बात से सहमत हूँ आपने जो कहा। और रहा भाई जी सवाल आपका, आपने जो अभी कहा, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा, बिल्कुल आपकी कार्य क्षमता पे या कार्य शैली पे या आपके जवाबदेही पे मैं आरोप नहीं लगाया, मैंने आरोप आप पे एक लगाया था, आप अगर कमी गिनाओ तो आपके लिए सब बरोबर है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या बसपा हो या कांग्रेस, आप फिर सबकी कमियां गिनाइए और सबकी बात कीजिए। मेरा तो केवल इतना कहना था आपसे, आपने ना तो इनके बलात्कारों का जिक्र किया, ना तो आपने इन्होंने जो फर्जी एनकाउंटर किए हैं ना उनका जिक्र किया, ना तो इन्होंने बेरोजगार किए जनता, ना आपने उनका जिक्र किया, जो लोगों का रोजगार छिन गया, रोजी रोटी छीन ली, इन लोगों ने इस देश को
बेरोजगार कर दिया, तमाम चीजें बेच दी। मैंने केवल इतना कहा था कि आपको वो चीज भी गिनानी चाहिए थी तो हमें अच्छा लगता। आप हमें कमी निकाल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का तो आपने जिक्र ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी क्या सारे काम अच्छे कर रही है? कोई कमी नहीं उन लोगों में, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और मुझे आगे उम्मीद है कि आप ऐसी जगह बैठे हुए हैं, कमी और अच्छाई सबकी गिनाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा। अब हमारे भाई जी भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे वैक्सीन के बारे में, जो इन्होंने वैक्सीन का जिक्र किया, ये तो ये करते हैं हमने वैक्सीन दी। अरे भैया हमें बता दीजिए, मोदी जी ने अपनी सैलरी से वैक्सीन दी, योगी जी ने अपनी सैलरी से वैक्सीन दी, आपके सांसदों ने अपनी सैलरी से वैक्सीन दी। इससे पहले सबसे पहले आप झूठ बोलना बंद कीजिए। आपने जो ये 70 साल का राग अपनाया हुआ है, नहीं आप चुप रहिए, जरा चुप रहिए, बोलिए मत। आप मत बोलने दीजिए, मैं चुप हो गया, बोलिए आप। एक मिनट संजीव जी, चलिए जैन साहब क्या कह रहे हैं आप सुनाइए। ये इनके अंदर सुनने की क्षमता ही नहीं है। ये देखिए तरीका, देखिए इनका जैन साहब तरीका क्या, आप में क्षमता ही नहीं है, आप सुन ही नहीं रहे किसी को भी। आपको बीमारी क्या है? मैंने क्या कहा आपने सुना? अरे आपकी सुनाई नहीं आ रही मुझे। जैन साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जैन साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। पवालियों की सरकार अब गई। मेरा समय जैन साहब ले लेंगे। कुछ नहीं है आपके पास बोलने के लिए, मैं तो बोल भी नहीं रहा था, मैंने तो सिर्फ इतना कहा काजोल जी जवाब ले लीजिएगा। ठीक है, एक उठे जैन साहब ठीक है आपसे जवाब ले लेंगे। संजीव जी कंप्लीट कीजिए ना। जैन साहब अभी बहुत समय है, देखिए अभी पूरे 20 मिनट है, एक मिनट बस। संजीव जी जवाब दीजिएगा, ये मतलब मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। ठीक है ठीक है, सुनिएगा उसके बाद जवाब भी दीजिएगा। सुन लीजिए जवाब भी दीजिए। पोदार साहब भी बार बार कह रहे हैं कि उन्हें जवाब देना है, लेकिन एक मिनट संजीव जी को सुन लेने दीजिए। नहीं संजीव जी बोले, मैं संजीव जी की काजोल जी जवाब बोलना मेरे भी, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आती है। मैंने बोल तो दिया संजीव जी, मैंने बोल दिया उनसे, वो चुप रहेंगे, नहीं बोल रहे हैं वो। अब बोलिए। देखिए जैन साहब हमारे अभी एक वैक्सीन का जिक्र कर रहे थे कि वैक्सीन हमने दी। इससे ये पूछ लीजिए, सबसे पहले तो ये झूठ बोलना बंद करें। ठीक है, ये जो 70 साल का राग अपनाया हुआ है इसको दुरुस्त करें। 70 साल में 10 साल आपकी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 70 साल, 10 साल तो 60 साल हो गए। तो इसको झूठ बोलना बंद कर दे, केवल 60 साल का जिक्र करें। और रहा वैक्सीनेशन का सवाल, पहले भी कई बार इस तरीके की परेशानियों से देश गुजरा है, और जैन साहब के भी एक यह बना हुआ होगा, छोटा सा एक सिक्के जैसा, बहुत छोटा सा। पहले भी जो सरकारें थी उन्होंने इससे ज्यादा बुरी मुसीबत में लोगों को बचाया है। तो इसलिए ये जो आप कहते हैं वैक्सीनेशन हमने कर दिया, ऐसा हमने कर दिया, वैसा हमने कर दिया, आपने कोई अनोखा नहीं कर दिया। आप सत्ता में थे, इस तरीके की परेशानी आई आपने झेली, कोई और सरकार रही होती वो झेलती, इससे पहले हम झेल चुके, देश में पहली दफे नहीं हुआ ये। संजीव जी ये तो बात हो गई मुद्दों की, सवाल जवाब की, आपके जो सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे पैनल में और उसके जवाब आप दे रहे हैं। देखिए छठे चरण को लेकर हमने चर्चा शुरू की थी, जो कि वैक्सीन पर पहुंच गई, जो कि किसानों पर चली गई, जो कि फिर यहाँ चली गई कि 60 सालों में कुछ नहीं हुआ है, सुई नहीं बनती थी, आज क्या क्या बन रहा है देश में। छठे चरण तो कहीं गायब ही हो गया, तो छठे चरण को लेकर ये बता दीजिए कि गोरखपुर में क्या होने जा रहा है। सपा तो की कह रही है कि हमने तो पश्चिम से ही हमने तो जीत
बिल्कुल हाँ, 300 पार कर लिया है सही, पर, ये जैन साहब ने तो पूर्वांचल की जरूरत नहीं है सपा को, पूर्वांचल की जरूरत नहीं है सपा को, पूरा चैनल भटका दिया था। अब मैं बता देता हूँ संजीव जी, पहले बताइए पूर्वांचल की जरूरत नहीं है कि सपा को? हाँ मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए देखिए ये लोग एक तरीके से, ये जो चुनाव होने जा रहा है ये एक तरीके से महाभारत का युद्ध है। ये सामने कौरवों की सेना बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छा, और हम लोग पांडवों की सेना है, और जीत हमेशा सत्य की हुई थी। ये तो राहुल गांधी जी ने बयान दिया था। नहीं, देखिए सुनिए संजीव जी, तो राहुल गांधी जी का बयान था, आपके पास कैसे आया बयान? एक मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा, प्लीज प्लीज। साठ गांठ तो नहीं होने वाली है 2017 जैसे हालात तो नहीं होंगे, पहले चुनाव से पहले हुए थे, अब चुनाव के बाद। पहले इन्होंने हमारा जो आंख, जैसे कहते हैं ना अर्जुन की निशाना आंख पे था मछली की, हमारा निशाना सरकार बनाने पे है। अच्छा। पहले चरण में हमने इनको भगा दिया, अच्छा। दूसरे में भगा दिया, तीसरे में भगा दिया, चौथे में भगा दिया, हमने पांचवा जो छठे सातवें की तो आपको जरूरत नहीं है पूर्वांचल में, क्योंकि सपा तो पहले ही जीत रही है ना तीन चरणों में। पांचवे चरण में जो घेरा बनाया था वो भी हटा दिया। अच्छा। अब छठे चरण में ये जीरो पे आ गए। इनके मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माननीय योगी जी पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे 10 तारीख के बाद। पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे 10 तारीख में 12 बजे के बाद, 10 तारीख में 10 मार्च को 12 बजे के बाद पूर्व लग जाएगा। अच्छा। तो उनका वो खुद चुनाव हार रहे हैं, इस तरीके से ये शून्य पे आ गए हैं, इनकी बोकलाइट है, ये पूरी मशीनरी लेके चले हुए हैं। ठीक है, ठीक है। संजीव जी एक मिनट, आपका एक बयान था वो जरा मैं जावेद अंसारी जी से पूछूंगी। देखिए सामने कौरवों की सेना है, हम पांडवों की सेना है, और ये महाभारत का युद्ध हो रहा है। राहुल जी ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया था, ये संजीव जी के पास कैसे चला गया? नहीं ये तो यूनिवर्सल स्लोगन है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही कर। ज्यादा पर्सनल तो नहीं हो गया है कांग्रेस और सपा के बीच? नहीं अगर हम पर्सनल होते तो फिर गठबंधन में लड़ते अलग क्यों लड़ रहे हैं? हम अलग इसीलिए लड़ रहे हैं, हमें राजनीति का कोई भरोसा तो है नहीं, राजनीति का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, रातों रात सरकार बदल जाती है, तो गठबंधन की बात है, समर्थन की बात है। जावेद साहब नहीं हम तो पूरी तरीके से पूरी सब सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, और किसी भी के जैन साहब भी लड़ रहे हैं, तो ये तो वक्त बताएगा कौन किसकी कितनी सीट आएंगी, और 10 तारीख को पता नहीं। नहीं इस बयान से तो आप जावेद अंसारी जी बयान से तो कुछ और समझ में आ रहा है, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं शायद, लेकिन समझ में कुछ और आया। जैन साहब आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मल जी ये जो 3 तारीख को जो चुनाव होने हैं, इन 10 जिलों की 58 सीटों पे जो चुनाव होने हैं, 44% दागियों को टिकट दिया आपने, 44% दागियों को टिकट दिया आपने। ठीक है दागी बागी तो हर पार्टी में, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसमें दागी और बागी ना हो। भाजपा बहुत साफ सुथरी पार्टी है, बिना दागी और बागी के तो पार्टी में कोई प्रत्याशी बना ही नहीं जा रहा। साफ सुथरी पार्टी है, 44% को दिया बस, बहुत साफ सुथरी पार्टी। देखिए जावेद साहब बागी और दागी सब में है, ये आप भी मानते हैं और आपको भी पता है। बड़ी महानता है जैन साहब, आपने मौका दिया, बड़ी महानता है आपकी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो इतने साफ हैं कि उन्होंने अपने मुकदमे खुद ही साफ कर दिए, संगीन अपराधों में लिप्त खुद ही साफ कर दिए, कलम जला दिया, जज भी हुई है। ठीक है जैन साहब सुन लीजिए ना, फिर सत्ताधारी पार्टी को भी सुन लीजिए। एक मिनट बोलिए। देखिए कोवल जी की जो चुनाव पे जो चर्चा हो रही है, पहले फेज से फर्स्ट फेज तक, तो दरअसल चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस, तो इनको ये तो पता है कि हम सरकार तो कहीं नहीं बना रहे, लोगों को पता है। लेकिन ये जरूर है कि मारामारी इस बात की है कि कई जिलों में तो खाते भी नहीं खुल रहे, तो खाते खुल जाए जिलों में, सबसे तो इज्जत बच जाए। अगर एक एक दो दो जो चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो अगर कई चरणों में तो कई पार्टियों के खाते भी नहीं खुल रहे, तो ऐसे में इनको सिर्फ और सिर्फ दिलचस्पी इस बात में है कि किसी तरीके से खाते खुल जाए। अगर 7 चरण में चुनाव है, 1 चरण में 1 सीट निकल गई, तो 7 सीट का आंकड़ा पहुंच जाएगा कांग्रेस का,
लेकिन हमें नहीं लगता है कि 5 से ज्यादा सीटें इलाहाबाद है। दूसरी बात यह है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कई चरणों में खाते तक नहीं, पूरे पूरे चरण में 58 सीट 61 सीट 54 सीट पूरे सीटों की बात कर रहा हूँ। आप तो 2 सीट में सरकार बना लेते हो पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मणिपुर में 2 सीट पे सरकार बना लेते हो, गोवा में 12 सीट पे सरकार बना लेते हो आप। और आदरणीय पुत्रा जी ने अबे जो है कसर करने के लिए कहा है, लेकिन सरकारें तो इस तरीके से दिख रही है, गोवा की भी सरकार इसके पहले की याद है, उत्तराखंड की भी सरकार याद है, कि भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें होने के बाद में भी आपने जो रबर स्टैंप जो है राज्यपालों को बैठा रखा था तो वो प्रोटेस्ट भी नहीं किए और सीधे सीधे आपको धोखा दीजिए सरकार बनाने के लिए। तो आपने जो किया आप वैसा ही समझ रहे हैं, मैं अनभिज्ञ हूँ चीजों से, लंबे समय से मैं भी राजनीति में हूँ, सारी चीजें पता है, लेकिन पोद्दार जी ने जो संकेत किया है कि लोग भटकाए गया भटकिए नहीं, तो मैं भटकना नहीं चाहता हूँ। आप इस विषय पे चर्चा कर रही है खास करके सीटों पे और सांठगांठ करके आए हो क्या पोद्दार जी से सांठगांठ करके आए हो क्या पोद्दार जी को समर्थन? जैन साहब एक मिनट, पोद्दार साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जैन साहब एक मिनट, पोद्दार साहब कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि वक्त वक्त कम है मेरे पास, आपके पास वापस लौटूंगी जैन साहब, बस 2 मिनट पोद्दार साहब, 2 मिनट आपके पास वापस लौटूंगी जैन साहब। या पत्रकार हो, हमें तो लगता है इससे हर एक पार्टी की साठगांठ होनी चाहिए, और ये जैसा जैसा दृश्य दिखा है प्रदेश का, प्रदेश में क्या हो रहा है उसके हिसाब से सरकारों को काम भी करना चाहिए। ठीक है ठीक है, जैन साहब एक मिनट बस, पोद्दार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, और पोद्दार साहब आप देख रहे हैं समझ रहे हैं तीनों जो यहाँ पर नेता मौजूद हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, आप समझ रहे हैं जो पूरी डिबेट थी उसे पहले तो एक अलग ही जोन में ला दिया गया, उसके बाद जब यहाँ मैंने टोका तो धीरे 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 वापसी की छठे चरण की तरफ और गोरखपुर आकर सिमट गए हैं, और आपस में ही कभी आरोप ये कि उन्होंने ये नहीं कराया, उन्होंने वैक्सीन क्यों दी, उन्होंने वैक्सीन क्या अपने घर से दी है, वो कहते हैं कि आपने तो दागी और बागियों को दे दिया है, प्रत्याशी बना दिया है, तो जनता कहाँ है इस बीच, जनता के बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते? देखिए काजोल जी सबसे पहले तो मैं संजीव जी का जवाब देता हूं कि संजीव जी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, तो इनको जो आपने बजट के ऊपर कार्यक्रम किया था उसका इनको वीडियो भेज देना आप, तो संजीव जी को पता चलेगा कि मैंने उस दिन भारतीय जनता पार्टी को कितना पानी पिलाया है, वो ये देख लेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात मैं जावेद जी के बारे में कहूंगा, देखिए ऐसा है, मैं जावेद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस बार मैंने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को लड़ते हुए देखा है, और मेरा ऐसा मानना है काजोल कि हारा वही जो लड़ा नहीं, और इस बार कांग्रेस ने इस मिथक को तोड़ा है, और इस बार कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव लड़ रही है, बेशक कांग्रेस को 5 सीटें मिले या 25 सीटें मिले या 500 सीटें मिले इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस इस बार अपने डर से जीत चुकी है, ये चीज देख करके मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं। और रही बात जो चुनाव की है, तो संजीव जी को हो सकता है मेरी बात अप्रिय लगे, लेकिन मेरा जो विश्लेषण मैं इसलिए कर रहा हूं काजोल जी कि देखिए अगर आप 2017 के चुनावों को देखेंगे तो 135 से ऊपर सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर जीत का अंतर 50,000 वोटों से ज्यादा था, और आप ये मान के चलिए कि लगभग 200 सीटें ऐसी थी जिनके ऊपर, मतलब वो 135 और वो सारी जोड़ करके बता रहा हूं, जिनके ऊपर जीत का अंतर 30,000 से ज्यादा था। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी एंटी इनकम्बेंसी हो गई कि समाजवादी पार्टी सीधी लड़ाई के अंदर 60-70 हजार वोटों को पाट देगी? तो इसलिए ऐसा है कि मेरा जो अभी तक का मूल्यांकन है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बहुत कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन अंततः मैं 7 तारीख को जब वोट खत्म होंगे और आपके सबके एग्जिट पोल जब शुरू होंगे तब मैं इस बात को आप जी मैं एग्जिट पोल की बता रहा हूं तब मैं आपको उस दिन भी बता पाऊंगा और आज भी मैं आपको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से आज भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये हमारा अपना मूल्यांकन है, इसको आप चाहे भारतीय जनता पार्टी समर्थित कहिए चाहे कुछ भी कहिए, क्योंकि जब हमें जो चीज दिखाई देती है हम उसी चीज के बारे में बोलते हैं। और रही बात छठे चरण की, तो देखिए इस बार मेरा ऐसा मानना है
पांचवा चरण और छठा चरण भारतीय जनता पार्टी जो इनको पहले और दूसरे और तीसरे चरण में इनको जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई ये पांचवे छठे चरण से लोग कर रहे हैं। जो नुकसान पश्चिम में हुआ है वो जो भरपाई है वो पूर्वांचल से बीजेपी करना चाह रही है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। समय की कमी है, बहुत छोटा सा कमेंट जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जैन साहब बहुत छोटा सा कमेंट करिएगा। देखिए जी 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 देखिए पहली बात तो मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अब आपका क्लोजअप करने का टाइम हो रहा है तो कार्यक्रम को, इसलिए मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ कि देखिए पहले चरण से लेके अब तक हम लगातार बढ़त में हैं और जो इन दो चरणों के चुनाव बचे हैं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त के साथ सीटें लाने वाली है। दूसरी बात ये कि जो अपराधियों की बात कर रहे हैं तो अपराधी आप आ करके देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी जिस दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है पश्चिम यूपी, उन्होंने डायरेक्ट 376 के बलात्कार के अपराधी को जिसके ऊपर चार्जशीट लग चुकी, चार्ज भी बन चुका है, उसको इन्होंने प्रत्याशी बनाया है। तो किस मुंह से ये कह रहे हैं कि अपराधी किससे ज्यादा है किससे कम है और अपराध का सफाया होते हुए उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है जैन साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, जैन साहब वक्त की कमी है और इस चर्चा को यहाँ खत्म कर रही हूँ मैं, लेकिन छठे चरण वाले दिन जरूर हम इस पैनल को बैठाएंगे और चर्चा करेंगे, उस दिन जरूर चर्चा होगी और उस दिन पूरे दिन भर हम चर्चा करेंगे कि छठे चरण में आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छठे चरण को लेकर पूरी रणनीति जो है वो तमाम पार्टियों की तैयार हो चुकी है। देखिए अगर हम चर्चा की बात करें तो चर्चा होते होते दूसरे लेवल पर होती हुई नजर आती है, लेकिन धीरे धीरे जो पैनलिस्ट है वो वापस उसी चर्चा पर आते हैं और इस चर्चा को देखकर यही लग रहा है कि जो नुकसान पश्चिम में अगर हम देखें तो पश्चिम सीटों पर भाजपा को हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश जो है वो भाजपा इन चरणों में करती हुई नजर आ रही है। वहीं सपा का ये मानना है कि सपा ने तो पहले ही सीटें जीत ली है, अगर पूर्वांचल में ज्यादा नुकसान भी होता है तो उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक बात बहुत अच्छी इस चर्चा में मुझे लगी कि यहाँ पर जो राजनीतिक विशेषक हैं उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा कि आज लग रहा है, इस बार लग रहा है कि कांग्रेस वाकई मैदान में है और मैदान छोड़कर नहीं भाग रही है। वाकई कांग्रेस को हम देखें तो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। इन दिनों प्रियंका गांधी भी लगातार जनसभाएं कर रही है, राहुल गांधी भी दिखाई देते हैं, तो कांटे की टक्कर है लेकिन बढ़त किस ओर जा रही है ये तो वक्त बताएगा। 10 मार्च का हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।